हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एप्पल एयरपोड्स प्रो, जो कि वन ऑफ द चीपेस्ट एयरपोड है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स इस पर कैसे मिल सकते हैं, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर बात कर लें बॉक्स की, तो बॉक्स के आगे साइड में मिल जाता है आपको एप्पल एयरपोड्स का एक पिक। और साथ ही साथ में अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एप्पल एयरपोड्स का पिक। साथ ही साथ में आपको दिख जाता है इसमें वायरलेस चार्जिंग केस, जिससे कि ये चार्ज होता है। साथ ही साथ बॉक्स की अगर दूसरी तरफ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एप्पल एयरपोड्स का लोगो, और साथ ही में आपको पीछे की साइड में मिल जाता है एप्पल का लोगो। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी साउंड क्वालिटी की, कि कैसी है साउंड क्वालिटी। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो प्राइसिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है 1200 का। साथ ही साथ अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको वो कैसे मिलेगा मैं बता दूंगा, साथ ही साथ में क्या आपको प्रोमो कोड चाहिए उसमें मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि बॉक्स के अंदर में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर में कुछ एप्पल के ओरिजिनल वाले ईयर टिप्स मिल जाते हैं ये, और साथ ही साथ अगर अंदर की बात करें तो बॉक्स में आपको मिल जाता है यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल नॉर्मल सा, जो कि इन्होंने अपनी तरफ से दिया हुआ है। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्योंकि ये 1200 में मिलता है तो ये एप्पल का एक प्रीमियम सा क्लोन है। बट यहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो ये एक फालतू सा बेकार सा एयरपोड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रहा हूँ तभी इसकी रिव्यू मैं आपको अभी दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इसकी साउंड क्वालिटी ऑसम है, बेस गुड इनफ है, और साथ ही साथ साउंड क्लियरिटी भी क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं लगेगा ओरिजिनल वर्सेस ये फेक क्लोन एयरपोर्ट्स में। बट यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कहीं आप दूसरे वाले सस्ते वाले एयरपोर्ट्स ना खरीद लो। इसके लिए आपका कोई अगर ट्रस्टेड सेलर है जिसके पास ये वाला एयरपोर्ट अवेलेबल है तो आप उसी के पास से परचेस करो। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, मैं अपने सेलर का कॉन्टेक्ट वहाँ पे दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल का नाम लेते हो टेको टॉक्स, उनके पास जाके या फिर उनको इंस्टाग्राम पे आप अगर ऑर्डर करते हो, साथ ही में बता देते हो कि आप मेरी वीडियोस देख के उनके पास जा रहे हो, चैनल वहाँ पे आपको लिख देना सिंपली टेको टॉक्स 10%। जैसे आप ये कूपन उनको बताओगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं उनका कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट जरूर कर लेना एक बार, और उसके बाद ही वहाँ से आप परचेस करना। आपको मैं बता दूँ पहली बात कि वो सेलर ट्रस्टेड हैं, तो आपको ऑर्डर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप बेफिक्र होकर ऑर्डर वहाँ से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फाइनली ये हमारा एयरपोर्ट कैसा दिखता है, साथ ही साथ वो किस टाइप का प्रीमियम है या नहीं है, कैसी फीलिंग आती है, तो मैं अभी वो लाइव आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपका एयरपोर्ट जो कि बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा दिखता है, कहीं भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखने वाली। अगर कोई बंदा पहले से यूज नहीं करा हुआ है एप्पल एयरपोर्ट, तो आपका ये एप्पल एयरपोर्ट प्रो देख के वो कंफ्यूज हो जाएगा रियल वर्सेस फेक में। बट अगर कोई पहले से प्रॉपर यूज करने वाला हो तो बहुत अच्छे से चेक करने के बाद ही ये बता सकता है दैट इट्स अ क्लोन। ओके, तो अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको ओपन करके, ये चार्जिंग केस है, इसके अंदर में आपको एयरपोड्स प्रो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ऐसे ओपन होता है, साथ ही साथ प्लास्टिक बिल्ड है। बट आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये एकदम गंदा सा घटिया सा क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, एकदम सेम ओरिजिनल वाली फीलिंग आती है, आप देख सकते हो, लेकिन बहुत सही है इसकी। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एयरपोड्स प्रो। मैं अभी इसको आपको कनेक्ट करके भी बताऊंगा अपने एप्पल डिवाइस के साथ में। और बात आपको एक बता दूं, ये एप्पल साथ ही साथ एंड्रॉयड के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, आप किसी भी डिवाइस के साथ जो कि ब्लूटूथ एनेबल्ड है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इसके साथ ही साथ। और मैं बताता हूँ इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सेंसर, जिससे कि आप सॉन्ग को प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, प्लस में कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हो यहाँ से, और कट भी कर सकते हो इसी के साथ में। तो अभी मैं लाइव प्रूफ इन सब चीज़ों का आपको बता दूंगा, तब आपको यकीन हो जाएगा किस हद तक ये अच्छे हैं, उसके बाद ही ऑर्डर करना। ओके, तो अब चल रहे हैं सीधा सीधा इसका मेन रिव्यू पे और
साउंड क्वालिटी पे कैसा लगता है और कैसा ये स्टाइलिश दिखता है। तो चलिए फटाफट से मैं अब इसको अपने एप्पल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके बता देता हूँ कि ये कनेक्ट कैसा होता है, साथ ही में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं कनेक्ट करने के। बहुत ही अच्छी फीचर है जो कि इस रेंज के एयरपोड्स में आपको नहीं मिलते हैं, वो है ऑटोमेटिक ईयर डिटेक्शन। आप जैसे इसको अपने कानों में लगाते हो और सॉन्ग प्ले करते हो तो जब तक ये एयरपोड्स आपके कान में रहता है तब तक ये परफेक्टली सॉन्ग प्ले करते रहता है, बट जैसे ही इसका सेंसर ये डिटेक्ट करना छोड़ देता है कि ये आपके कानों में नहीं है तो सॉन्ग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है बहुत लोगों के लिए। बट जब आप ड्राइविंग करते टाइम अगर यूज़ करते हो इसे या फिर नॉर्मली वॉकिंग करते टाइम यूज़ करते हो तो ये फीचर आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉन्ग रुक रुक जाता है, इसका छोड़ छोड़ के सॉन्ग प्ले होता है आपके फ़ोन में। तो वो फीचर ऑफ कैसे होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। एक सेकंड के लिए मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। पीछे की साइड में आपको मिल जाता है लाइटनिंग एयरपोड कनेक्टर, जिससे कि ये चार्ज होता है और इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने यूज़ करा ओवर ए डे, ये दिन भर चल सकता है, एक दिन से ज़्यादा ही चलता है, तो बैटरी के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं होगी यहाँ पे। और इसके साथ इन द बॉक्स आपको ये केबल भी मिल जाता है जो कि टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट कनेक्टर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी के टाइम में आपको टाइप सी टू लाइटनिंग मिल जा रहा है इसके साथ, तो इट्स अ गुड थिंग। तो चलिए अब मैं फटाफट से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट कैसे होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसे ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में ऑप्शन आ जाएगा एप्पल एयरपोड्स प्रो के नाम से ब्लूटूथ सेटिंग में, जहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके और आप उसको ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो उस फीचर को। तो चलिए मैं फटाफट से अपने एप्पल डिवाइस से इसको कनेक्ट करके बता देता हूँ और देखिए कैसे होता है ये कनेक्ट। देखिए जैसे मैंने इसको ओपन करा मेरे एप्पल डिवाइस में ये दिखाने लगा एप्पल एयरपोड्स प्रो का ऑप्शन। आप देख सकते हो कितनी इसकी बैटरी हेल्थ है, कितना परसेंट ये चार्ज है, केस कितना परसेंट चार्ज है, प्लस में मेरी ये स्पीकर्स कितनी परसेंट चार्ज है दोनों एयरपोड्स की। अब देखिए कितना एग्जैक्ट ये वर्क करता है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बंद करा यहाँ पर ब्लूटूथ ऑप्शन ऑफ और साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी इसकी ऑफ हो गई। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देखो कितना एग्जैक्ट ये वर्क करता है ये चीज़, आप देखो 1200 रुपये में। तो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत ही अच्छी डिवाइस है, मैं तो बोलूँगा कि आप तुरंत ही जाकर बाई कर लो इसे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए अब करते हैं इसको कनेक्ट। तो अब मैं नॉर्मली अपनी एयरपोड्स निकाल देता हूँ इससे। तो अभी फाइनली मैं अपने एयरपोड्स को अपने कानों में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ आपको शो कर रहा है कि एयरपोड्स कितने परसेंट चार्ज हैं। ओके, आप देख सकते हो, बट जब ये इन द बॉक्स था तब आपको ये शो कर रहा था कि बॉक्स कितने परसेंट चार्ज है, इसकी जो बैटरी चार्जिंग केस है और साथ ही साथ स्पीकर पे कितने परसेंट चार्ज है। तो एक्यूरेसी, कनेक्टिविटी और साथ ही साथ परफॉर्मेंस वाइज एक्सेलेंट, मैं इसे 10 out of 10 देना चाहूँगा। साथ ही साथ साउंड क्वालिटी की अगर बात कर लें तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ओरिजिनल से अगर कंपेयर करें तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, या 19-20 है, बट ऐसा कह सकते हैं कि हाँ 19.5 और 20 के बीच में है ये, ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता है। ओके, सो आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी और पावरफुल और तगड़ी चीज़ है ये 1200 रुपये में। तो बिल्कुल मैं तो बोलूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाके अभी इसे बाई कर लो। अभी मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके इसमें दिखाता हूँ और साथ ही साथ दिखाता हूँ कि इसका सेंसर किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो अभी देखो मैं इसमें सॉन्ग प्ले कर चुका हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सेंसर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका सेंसर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा ऑटोमेटिक आप देख सकते हो वहाँ पे सॉन्ग हमारा पॉज हो गया। अब वापस से मैं इसको क्लिक करता हूँ, सॉन्ग प्ले हो गया। बहुत ही सुपर चीज़ है भाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बता दिया। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, उसके बगल में बेल को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरी कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग टेक की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करो फ्रेंड्स, अभी मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ, तो
प्लीज़ सपोर्ट करो, यही बोलना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकूँ। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।